देखिए फ्रेंड्स, आज बनाया हमने उपवास के मेदू बड़ा। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, तो अब इनको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं मेदू बड़ा बनाना। फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मेदू बड़ा उपवास वाले। ये मैंने व्रत के जो चावल होते हैं, समा के चावल, इनको मैंने पीस लिया है। ये मैंने एक कटोरी ली है। ये अदरक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये धनिया धुला हुआ और ये उबले हुए दो आलू। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एक पैन रखा, जितने हमने चावल लिए हैं उतना हम पानी डालेंगे। देखिए ये एक कटोरी है, तो मैं इतना ही इसमें इसका दुगना पानी डालूंगी। पहले हम थोड़ा सा घी डाल के बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक को भून लूँगी। अगर आप जीरा खाते हैं व्रत में तो आप जीरा डाल सकते हैं। हम जीरा नहीं खाते तो मैं जीरा इसमें नहीं डालूँगी। ये अदरक हरी मिर्च भून गए हैं, मैं अब इसमें डालूँगी दो कटोरी पानी। हमने एक कटोरी चावल लिए हैं तो मैं इसमें दो कटोरी पानी और इस पानी में थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार, क्योंकि हम चटनी भी बनाएंगे, चटनी के साथ खाएंगे इनको। थोड़ी सी काली मिर्च, अगर लाल मिर्च खाते हैं आप तो लाल मिर्च डालें। जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें चावल डालेंगे। और देखिए पानी में उबाल आने लगा है, इतने हमारे पानी में उबाल आ रहा है, इतने हम ये उबले हुए आलू छील लेते हैं। इसको सिम कर देंगे फ्लेम को और धीरे धीरे हम ये आटा इसमें मिलाएंगे। ये बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। इसमें अगर आप मटर, गाजर, जो भी सब्जी हो वो भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये ठंडा हो जाएगा हमारा, फिर हम इसके मेदू वड़ा बनाएंगे। इतने हमारे ये ठंडा हो रहा है, इतने हम अपने आलू तैयार कर लेते हैं। कि मैंने आलूओं को मैश कर लिया है और ये मैं एक कप हरा धनिया है तो जिसको मैंने धो लिया है अच्छे से, और ये जो हमारा ये हमने समा के चावल से बनाया है, इसको हम ठंडा होने पर, ठंडा हमें बस केवल इतना ही होने देना है कि हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकें, और इसको मिक्स करके फिर हम अपने मेदू वड़ा बनाएंगे। अभी गर्म है, ज़रा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको। देखिए हमारा डो ठंडा हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। ये मैं ऑलिव ऑयल डाल दी और अपने डो को इकट्ठा कर लेंगे, अच्छा सा बना लेंगे। इसे अच्छे से मल लेंगे हाथ चिकने करके, बड़े बनाएंगे। ये हाथों को चिकना कर लें, जितने बड़े बनाने हैं आपने उतने बड़े बनाए। हमारे मेदू बड़ा तैयार हैं, अब हम इसे सबको बना के रख लेते हैं प्लेट में और फिर हम इनको तलेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे करना चाहें। चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारा घी गर्म हुआ। थोड़ी कसर है, अब हम इसमें अपने ये मेदू बड़ा डाल देंगे और इन्हें तल लेंगे। हमें पलटना पलटना नहीं है, ये अपने आप से ही जब सीखेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, इसलिए ऐसे ही डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। देखिए अब हमारे मेदू बड़े तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हैं और कितने अच्छे बने हैं। कोई कह सकता है ये उपवास के हैं, ये हमने सूजी से या दाल चावल से नहीं बनाए थे। देखिए हमारे मेदू बड़ा बिल्कुल तैयार हैं, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए ये उपवास के मेदू बड़ा हमने समा के चावल और आलू से बनाए हैं, देखिए कितने बड़े हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने बनाए तो आपके कैसे बने। थैंक यू।